सेना के जहाज उतरे हुए थे, जैसे मिराज, सुखोई, ये सब आप देख सकते हैं। ये देखिए सामने ये हवाई पट्टी बनी हुई है, यहाँ पे प्रैक्टिस की गई थी, तो यहाँ पे सारे जहाज। हेलो भाई, अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आप लोगों की दुआओं की वजह से हम लोग भी अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं, हमारे बस सलाम कर लीजिए। और माशाल्लाह से आज 29 रोजे हो गए हैं, कल आखिरी रोज़ा है, 30वां रोज़ा है, और पैकिंग अभी से स्टार्ट हो चुकी है। रात के अभी बजे हैं 12 और पैकिंग हो गई है अभी से स्टार्ट। जैसा कि आप गाइज ये देखिए कितना फैला के रखा है, ये सब अभी हमद के कपड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं। कौन 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 से लेके जाना है, कौन से यहीं छोड़ना है? क्या 10-15 दिन के लिए जा रही हो क्या? 2 दिन के लिए जाना है। 2 दिन के लिए जाना है, 2 दिन के लिए जाने के लिए ये देखिए ये सब हमद के कपड़े फैले पड़े हुए हैं। ये सब अब इसमें से डिसाइड हो रहा है कौन से लेके जाएं, कौन से यहीं पे छोड़ जाएं। कुछ इसमें कपड़े छोटे भी हो गए हैं, तो वही सब डिसाइड किया जा रहा है। हम कौन से कपड़े लेके जाएं तुम्हारे बताओ, हैं कौन से? तो गाइस पैकिंग कंप्लीट हो जाने के बाद मिलते हैं आपसे, पहले पैकिंग करवा लेते हैं। तो गाइज आपको ये तो बताना भूल ही गए थे कि ये पैकिंग हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो हम लोग लखनऊ में हैं और परसों ईद है, तो कल निकलेंगे गांव, क्योंकि हर साल ईद गांव में मनाते हैं, तो कल गांव जाएंगे, इसीलिए ये सारी पैकिंग चल रही है। और इस बार हमद की पहली ईद है, तो हमद भी साथ में, क्योंकि उन्हीं का ज़्यादा सारा सामान है। तो बाकी पैकिंग होने के बाद में आपसे मुलाकात करती हूँ। Many hours later. जी अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस फाइनली तैयारी हो चुकी है, अब निकलते हैं घर के लिए, तो आप लोग ब्लॉग के साथ बने रहिए और आपको रास्ते में सब दिखाते हुए चलते हैं। गाइस हम लोग घर के लिए निकल चुके हैं और इस बार जो है आउटर रिंग रोड से जाएंगे, जो लखनऊ के चारों तरफ आउटर रिंग रोड बनाया गया है, जिसको किसान पथ नाम दिया गया है, तो आज पहली बार उसी से जाएंगे। तो देखते हैं कहां तक सही है, तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं, जैसा होता है आपको अपडेट। अप्रैल को यहाँ पे अभी सेना के
जहाज उतरे हुए थे जैसे मिराज सुखोई ये सब आप देख सकते हैं। ये देखिए सामने ये हवाई पट्टी बनी हुई है, यहाँ पे प्रैक्टिस की गई थी तो यहाँ पे सारे जहाज उतरे थे। ये देखिए टायरों के निशान बने हुए हैं, मुझे तो दिख रहे हैं आप लोग, ये देखिए ये टायरों के निशान बने हुए हैं। और यहाँ पे 7 तारीख को मिराज सुखोई और सेना के जितने जहाज थे सब मतलब यहाँ पे प्रैक्टिस हुआ था, सब उतारे गए थे। आप सामने देख सकते हैं ये डिवाइडर जितने थे तो सब हटा दिए गए, डिवाइडर जितने थे ये सब हटा दिए गए थे और ये क्योंकि प्रैक्टिस की वजह से जगह खाली की गई थी। अब ये प्रैक्टिस हो चुकी है तो ये डिवाइडर देखिए फिर से लगाए जा रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, ये डिवाइडर का काम फिर से स्टार्ट हो गया है, फिर से ये डिवाइडर लगाए जा रहे हैं। पूरा ये 2 किलोमीटर का रास्ता है, ये पूरे 2 किलोमीटर में डिवाइडर लगाया जाएगा। ये जब प्रैक्टिस हुई थी तो ये सब सारे हटा दिए गए थे। तो गाइज हम घर पहुंच चुके हैं और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में।